ने अपनी विफलता को माना है कि फेल सरकार है। ये पहले से पता था कि इस तरीके का हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है, और प्रदूषण केवल गाड़ियों से नहीं है, गाड़ियों के साथ साथ जो ट्रैफिक जाम हो रहे हैं उनके कारण है। जो पूरे दिल्ली में जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसके कारण है। आज सारे फुटपाथ पे पेवमेंट पे रेडियां लगने लगी हैं, जिस कारण से फुटपाथ पे से हटके लोग सड़कों पे आ गए हैं और घंटों घंटों के जाम लगने लगे। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए जगह जगहों पर रेडी पटरी लगवा रही है, लोगों से कह रही है आप जो भी कंस्ट्रक्शन चाहते हैं करें, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो जब इस तरीके का काम होगा तो स्वाभाविक है कि ट्रैफिक में दिक्कत आएगी, और ट्रैफिक में दिक्कत आएगी तो प्रदूषण बढ़ेगा। इस तो पूरे प्रदूषण का सीधे सीधे अगर टीकरा किसी के सर पे फूटता तो आम आदमी पार्टी और उसकी सस्ती लोकप्रियता पे फूटता है। और अब ये चाहते हैं कि दिल्ली की जनता जो है इनकी लोकप्रियता और इनकी राजनीति को बढ़ाने के लिए मदद करे। दूसरा एक और चीज है, इसके पीछे पैसा भी छुपा हुआ है। देखिए, ये काम करने से आप उबर और ओला जैसी टैक्सियों को प्रमोशन देंगे, ऑटो वाले जो आपके एक वोटर थे आप उनको प्रमोशन देंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है इसके पीछे कहीं पैसे का भी लेन देन हो कि भाई जो ये टैक्सियां हैं और गाड़ियां हैं, आप बस तो बढ़ा नहीं सकते। कल मुख्य चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम बसें बढ़ाएंगे, तो हंसने की बात है, कहां से आप 1000 बसें ले आएंगे चार दिन में? पूरे हिंदुस्तान में उतनी बसें नहीं बनती जितनी आपको चाहिए होगी। एकदम से क्या आप 200-250 की जगह 400-500 किलोमीटर मेट्रो कर देंगे? मतलब आप मजाक तो मत बनाइए ना दिल्ली के लोगों के लिए। आप कोई ऐसा कदम लेकर आए हैं, इस कदम के पीछे कोई सोच है क्या? देखिए, BRT एक सिस्टम बनाया गया था जो ट्रैफिक को ही कंट्रोल करने के लिए था कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को करेंगे, क्योंकि उसमें आपको सस्ती लोकप्रियता वोट दिख रहे थे। BRT तो आपने स्क्रैप कर दिया, ठीक है। और इस तरीके की उलझुल हरकत आप कर रहे हैं, और मुझे मालूम है बहुत से लोग इसको समर्थन करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा एटमोसफियर है कि नहीं नहीं हमें करना चाहिए। इसकी प्रैक्टिकल ही नहीं है, इसके कुछ बहुत ही मूल सिद्धांत भी हैं। आपने मुझसे रोड टैक्स लिया है पूरे 365 दिन गाड़ी चलाने का। कौन होती है सरकार मुझसे 183 दिन कहेगी कि आप गाड़ी नहीं चलाइए? किस अधिकार से, किस हक से वो कह रही है कि आप गाड़ी नहीं चला सकते? अगर आपके पास मेरे को ठीक सड़क देने को नहीं है, अगर आपके पास पोल्यूशन कंट्रोल करने को नहीं है, तो आपके पास अधिकार नहीं है कि आप अपने बलबूते से गाड़ी बेचें। पहले सरकार हमको सुविधा देती है, सहायता देती है, हम उसके लिए पे करते हैं, सरकार कोई हम पर एहसान नहीं कर रही है। कदम अच्छा है, लेकिन इसको व्यवहार में लाने में सरकार को बहुत दिक्कत पेश आएगी। The concept is good, there is no doubt about it, but you can't just import a foreign concept and implement it in Indian soil, because the whole situation is very different and you have to look at it realistically. Firstly, for that to have this odd and even number, you know, for it to succeed, we must have a very strong public transport system, and also the last mile connectivity. And these two things, until now, is they are adequate. You know, this is going to create more inconvenience to people. And instead of trying to put pressure on the refineries for green fuel, on the automobile industry to upgrade their cars to Euro 5 norm. The government is actually encouraging indirectly for people to buy more cars, so this is actually going to probably lead to more congestion, more pollution, and